Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me are like a magnet to a knock. And like a lighthouse from the Hi guys, welcome back to my channel. So, आज हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली, और बहुत ही ज़्यादा सुबह में आज हम उठ चुके हैं और हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि जो कोलकाता की बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप में से एक है वो है शर्मा टी। तो ये जो पड़ता है ये आपका भवानीपुर एरिया में पड़ता है, जो कि एग्जैक्टली संत कुटिया गुरुद्वारा के ऑपोजिट में मिल जाएगा। यहाँ की कचौड़ी और यहाँ की जो जलेबी और चाय जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है कोलकाता में। तो आज हम वही ट्राई करने के लिए इतनी सुबह सुबह उठ गए हैं, तो चलिए चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं शर्मा टी हाउस और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब मॉर्निंग का टाइम है और लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाय और ब्रेकफास्ट करने इतनी सुबह सुबह आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गर्मा गर्म जलेबियाँ तली जा रही हैं, साथ में कचौड़ियाँ भी यहाँ पे है बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं ये क्लब कचौड़ी है, जो छोटी कचौड़ी बोल सकते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब आप जब भी सुबह जाएंगे ना आपको तुरंत तुरंत मतलब गरम गरम ही आपको मिलेगा पूरा खाने के लिए। मैंने यहाँ पे देखिए इनका जो फेमस क्लब कचौड़ी है ना वो लिया है, और साथ ही में यहाँ पे लिया है केसरिया जलेबी, जो कि इनका ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये देखिए ये आपको 5 पीस मिल जाती है एक प्लेट में, और ये देखिए आपको यहाँ पे हरी मिर्च की जो मतलब राई वाली जो होती है ना वो भी मिल जाएगा आपको। तो और इसका जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़ पर प्लेट, और ये जो जलेबी है उसका प्राइस है 15 रुपया पीस। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए आपको ये साइज़ की आपको 5 पीस कचौड़ी मिल जाएगी, साथ में आपको यहाँ पे आलू की सब्ज़ी मिल जाएगी ये देखिए। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा देखिए खस्ता कचौड़ी है एकदम, अंदर का फीलिंग देखिए आप, दाल का स्टफिंग किया गया है अंदर में। चलिए अब इसको खाते हैं। ये सब्जी के साथ आलू की सब्ज़ी जो है इनकी, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, मतलब बहुत ही खस्ता कचौड़ी है, और हींग का भी फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही कमाल का लग रहा है। अगर आप सुबह में जाते हो ना तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको कितनी भीड़ दिख रही होगी, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे मतलब इनकी कचौड़ी ट्राई करने के लिए, इनकी जलेबी, और साथ ही में मैंने केसरिया चाय का भी ऑर्डर दिया हुआ है तो वो भी आएगा अभी पियेंगे। तो पहले कचौड़ी को ख़त्म करते हैं। कचौड़ी तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। अब चलिए ये केसर, इसका कलर देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा येलो ही, जो केसर का कलर होता है ना बिल्कुल वैसा होता है। तो चलिए अब इसको भी ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा भी मीठा नहीं है, लेकिन बहुत ही कमाल का लग रहा है। कचौड़ी और जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद है, क्या आपको भी ये कॉम्बिनेशन पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुबह सुबह उठ के ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और मिल जाए साथ में गर्मा गर्म जलेबी, तो क्या ही बात है। तो चलिए मैं अपना कचौड़ी एंजॉय करती हूँ, आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। आप कभी भी कोलकाता आए ना तो शर्मा के यहाँ का कचौड़ी और जलेबी ट्राई करना ना भूलें। सो यहाँ का जो नेक्स्ट फेमस है वो है केसरिया चाय। ये देखिए देख सकते हैं ऊपर में आपको केसर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे जो पूरा एकदम बकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है चाय, और देख के तो रहा नहीं जा रहा था तो मैंने ये चाय लिया। यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे बड़े चाय मिल जाएंगे, तो एक छोटा वाला 50 का आता है और ये जो है ये 60 का है। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। कुल्लड़ वाली चाय तो बेस्ट होती है, ये आप भी मानते होंगे। और ये जो चाय है ना मतलब गजब की चाय, इलायची का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, बैलेंस करके बनाया है। अगर आप टी लवर हो ना तो आप यहाँ ज़रूर आके चाय ट्राई करना, यहाँ पे इनकी चाय बेस्ट होती है। सुबह सुबह मैं यहाँ पे बस इनका चाय स्पेशली और वो नाश्ता ट्राई करने आई थी। सो मैं अपना चाय फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है ना तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।